बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान जव्वाद बाकिर और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। आज की ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही दिल दहला देने वाले इसमें इंकशाफात किए गए हैं। देखना आप पूरी ये वीडियो और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब आने वाली सूरत हाल या आने वाले दिन क्या इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो तालिबान की पेशकदमी जो बहुत ही तेज़ी के साथ काबुल की तरफ जारी थी, आखिरकार उन्होंने सदारती महल में कब्जा जमा लिया है। अब वहां पर सिर्फ उन्होंने कब्जा नहीं जमाया बल्कि अब तालिबान क्या हिकमत अमली लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब वो 90 वाले तालिबान नहीं रहे। आज से जो 20 से 30 साल पहले तालिबान देखे जाते थे, जो दुनिया की नजरों में थे, अब वो तालिबान बिल्कुल भी नहीं है। अशरफ गनी आखिरकार भाग ही गए ताजिकिस्तान, जहां पर वो पहले बड़े दबंग अंदाज में आकर कहते थे कि हम किसी भी सूरत पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि इनकी मुजाहमत भी करेंगे और डटकर मुकाबला भी करेंगे। अब यहां पर कुछ तल्ख सवालात जो आपकी नजर करने जा रहा हूं वो ये कि आखिरकार अमेरिका और दूसरी अफवाज यानी कि नेटो अफवाज क्या 20 साल में अफगानिस्तान की फौजों की वो तरबियत नहीं कर सकी? क्या अमेरिका वहां से अपने मकासद हासिल कर कर निकला? क्या अब तालिबान दूसरे ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात बढ़ाएंगे? क्या उनकी फोर्सेस बिल्कुल बुजदिल थी या कि उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया या कि करवाया गया? आखिरकार अमेरिका की क्या हिकमत अमली थी जो अब जो बाइडन कह रहे हैं कि अब भी हम पीछे नहीं हटेंगे, अगर इन्होंने खासतौर पर अमरीकियों को निशाना बनाया तो हम भी इनको निशाना बनाएंगे। तो फिर ये जो एक दौरानिया चला था बहुत लंबा अरसा अफगान अमन अमल का, जिसके नुमाइंदे खसूसी अमेरिका की जानिब से जलमे खलीलजाद, तो फिर वो मुज़ाकरात का क्या बना? कभी दोहा में नशस्तें होती थी, कभी रशिया में नशस्तें होती थी और कभी चीन में भी नशस्तें होती रहीं। आखिरकार इन तमाम नशस्तों का बना क्या? अब तालिबान कौन सी हिकमत अमली लेकर आ रहे हैं और तालिबान की जानिब से जिसको सदर बनाया जा रहा है मुल्क का, बल्कि बना दिया गया है, वो कौन सी शख्सियत है जो कभी कैदोबंद की सऊबतें झीलते रहे, जिन पर तशद्दुद भी किए गए, मगर आज वो इस मुकाम पर खड़े हैं कि सदारती महल की सदर की कुर्सी पर जाकर बरअजमान हो गए हैं। आज उनके बारे में भी आपको बताएंगे कि कभी हथकड़ियों में और कभी ये किस तरह से छुप जाते थे, मगर आज अफगानिस्तान की सदारत उनके हाथ में आ गई है। ये चंद एक सवालात हैं जो आज आपको इस वीडियो में इनके जवाब मिलेंगे। तो नाजीन, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अफगान सदारती महल की है, जहां तक पहुंचने के लिए मुसलसल तालिबान लड़ाई लड़ते रहे हैं नेटो अफवाज से, अमेरिका की फौज से, और आखिरकार पसपाई का सामना करना पड़ा, कमर झुकी हुई। जिन्होंने बुलंदो बांग दावे किए थे हम ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, ना कभी शिकस्त खाते हैं और ना ही कभी शिकस्त खाएंगे, आखिरकार वो अमेरिका से निकल गई। वो तमाम फौजें, वो तमाम दावे, वो तमाम वादे धरे के धरे रह गए और शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ऐसी शिकस्त का सामना जहां पर सुपर पावर भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई, और उसने यही बेहतर जाना कि वाकई अफगानिस्तान में आने के तो बहुत रास्ते हैं मगर जाने का कोई रास्ता नहीं है, और रास्ता सिर्फ एक ही है, शिकस्त की सूरत में यहां से निकला जाए। इस सदारती महल में पहले भी अशरफ गनी बैठते थे और अब जो बैठने वाले हैं उनका नाम भी है गनी, मुल्ला गनी। अब मुल्ला गनी को इस सदारती महल में बिठा दिया जाएगा। अब अगर देखा जाए तो तालिबान जो हैं वो एक नई हिकमत अमली की वजह से इन हो रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या तालिबान ऐसी हिकमत अमली लेके आएंगे जिससे वो दूसरे ममालिक के साथ सिफारती, तिजारती, मुआशी या के उनके मुताबिक सकाफती ताल्लुकात को वो बहाल रख सके? क्या वो अपने मुल्क की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर गौर करेंगे? क्या वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर अपने मुल्क को मजबूत बना सकेंगे? ये तमाम चीजें अब डिपेंड करेंगी तालिबान पर कि वो दूसरे ममालिक के साथ या के अपने हमदर्द ममालिक के साथ किस तरह से वो करते हैं। खैर, बात ये है कि अब आ गए हैं मुल्ला गनी सदारत में। एक गनी पहले थे जिनका नाम था सदर अशरफ गनी, वो तो गए भाग, अब दूसरे आने वाले सदर का नाम है गनी यानी कि मुल्ला गनी। अब देखना यह होगा कि मुल्ला गनी आखिरकार कैसे दूसरे ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए अपनी मईशत को कैसे पांव पर खड़ा करते हैं। नाजीन, यहां पर पाकिस्तान के रवायती हरी ओछे हथकंडे करने वाला मोदी सरकार
जो कि घनौने हथकंडों साजिशों से कभी बास ना आया। उसने अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया, उसने अफगान की एजेंसियों को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बनाता रहा। अब उनके साथ ये किस तरह से निपटेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है तालिबान के लिए। उनके लिए लम्हा फिक्रिया भी है कि कल तक भारत, अमेरिका और नेटो अफवाज के साथ मिलकर इनको शिकस्त देने के लिए पूरी तरह से तैयार था, मगर अब देखना यह है कि अब भारत की क्या दुर्गत बनाई जाएगी, या कि उन्हें अफगानिस्तान में जिस तरह से आम माफी का ऐलान किया गया है, भारत भी उस जमरे में आ जाएगा और भारत को भी माफ कर दिया जाएगा। क्योंकि भारत ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए उधर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, जिसमें बहुत से लोगों ने यह भी कहा, आपको एक गुज़श्ता वीडियोस में मैं बता चुका था, भारत के सीनियर सहाफी ने अलल ऐलान कहा था कि फौरी तौर पर तालिबान के आगे घुटने टेक कर उनके साथ बातचीत कर लेनी चाहिए। मगर अब तालिबान पर डिपेंड करता है कि वो इंडिया के साथ बातचीत करते हैं या के नहीं करते। मगर तालिबान नाज़रीन अब 20 से 30 साल पहले वाले तालिबान नहीं है। अब वो तालिबान नहीं है जब 2001 में अमेरिका 9/11 के बाद अफगानिस्तान में दाखिल हुआ तो तालिबान ने जो हिकमते अमली अपनाई थी, मगर अब तालिबान इंग्लिश भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं और अपनी बात है वो पूरी दुनिया को आसानी समझा भी सकते हैं और अपने प्लान भी दुनिया के सामने रख सकते हैं कि आखिरकार अब किस तरह से अफगानिस्तान को मुस्तहकम करना है। अब तालिबान के पास ऐसी ताकत तो आ गई है जिससे वो अफगानिस्तान पर हुकूमत तो कर सकेंगे, मगर देखना यह है कि क्या अफगानिस्तान ऐसी हिकमत अमली बनाएगा कि इस तमाम 20 साल सूरत हाल नहीं बल्कि ये आखिरी चंद दिनों को देखते हुए जिस तरह उसकी फौज ने रिएक्ट किया, तालिबान को मजाहमत की, तालिबान से पसपाई की या सरेंडर कर दिया, इनको मजबूत किया जा सकेगा। तालिबान के पास इस वक्त भारी मकदार में असलहा भी मौजूद है, जब ने उन्होंने कई हेलीकॉप्टर भी अपने कब्जे में ले लिए हैं जो कि बिलियंस डॉलर के बनते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन उनके पास असले की खेप तो मौजूद है, मगर जिस तरह वो दूसरे ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात बना रहे हैं, जिस तरह से वो चीन के करीब होते जा रहे हैं, रूस उनकी सपोर्ट में आगे है, दोहा कतर तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि उनके साथ बड़े अच्छे मुरासिम हैं और उनका हेड ऑफिस भी तालिबान का उधर है। मगर आप देखना यह है कि तर्जमान सुहेल शाहीन दुनिया को कैसे मुतमईन करते हैं, मोहम्मद नईम किस तरह से मुतमईन कर पाएंगे जो कि दोहा में उनके तर्जमान हैं, इसके अलावा ज़बीहुल्लाह मुजाहिद क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। नाज़रीन गनी की बात की जाए, एक मुल्ला गनी और एक थे अशरफ गनी, अशरफ गनी जा चुके जबकि मुल्ला गनी आ चुके। अब देखना यह है कि इनमें सालिस का किरदार अदा किया था अशरफ गनी के साथ जो थे अब्दुल्ला अब्दुल्ला। सदारती महल में जब इनकी बैठक हुई तो उस वक्त अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने सालिस का किरदार किया और अफहामो तफहीम के साथ मामलात हल किए। यह है गुज़श्ता दिन की बात, मगर आने वाले दिनों में बात वहीं पर खड़ी है कि आखिरकार जब मुहाजरीन का रश पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा तो पाकिस्तान क्या हिकमत अमली अपनाएगा, क्योंकि 6 से 8 गेट बताए जा रहे हैं जो कि बॉर्डर पर बंद कर दिए गए हैं। कई बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया है जहां पर मुहाजरीन पनाह लेने के लिए पाकिस्तान में दाखिल होना चाहते हैं। तिजारत रोक दी गई है, कंटेनर्स अब भी बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं। होगा क्या ये आने वाले दिनों से कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। इसके साथ ही अपने मेजबान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह निगेबान।